हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग आज की वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है ये एक जनरल नॉलेज के ऊपर है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए एंड स्पेसिफिकली साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे वैसे तो जो भी मैं यहाँ पे बात करूँगी आप वो हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो उस नॉलेज को बट क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ और काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी सारी थ्योरी है साइकोलॉजी में उसको किस तरीके से लर्न किया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के इसको वो इसको रटने लग जाते हैं इतना सारा इसमें कंटेंट है जो कि रटना बहुत ही मुश्किल है और उसको रटने से फिर आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो ये सब्जेक्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से इसको पढ़ा जाए कि ये आपको बर्डन ना लगे ये ना लगे कि बस हमें पढ़ के पास होके इसको ख़त्म करना है यहीं पे ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है तो इसको अगर आप सिर्फ़ ये सोच के पढ़ोगे कि बस हमें पढ़ के पास होना और उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो ये सब्जेक्ट आपको अगर आप इसको समझ जाते हो और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको एक्चुअली में समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रही हैं और आगे यूज़ भी आएंगी तो इसको समझोगे तो आपको ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने में और फिर आपको याद भी इजीली हो जाएगा तो इसका एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं जैसे हम सबका अलग अलग तरीका होता है लर्न करने का अब इसमें अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करते हैं कुछ वर्बल मैथड्स यूज़ करते हैं कुछ लोग ऑडिटरी मेथड यूज़ करते हैं Uh, कुछ विजुअल यूज करते हैं कुछ एक्शन मेथड यूज़ करते हैं तो ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा सूट करता है आप उस हिसाब से आप इसको पढ़ो और उसके लिए आपको ट्राई आउट करना पड़ेगा कि विच स्टाइल इज़ बेटर फॉर यू तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप कौन कौन से स्टाइल्स में किस तरीके से पढ़ा जाता है जैसे सबसे पहले वर्बल मेथड पे आते हैं वर्बल मेथड में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जैसे कीवर्ड्स का यूज़ करते हो आप कीवर्ड्स क्या होते हैं हर टॉपिक में कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड होता है जिससे आपको वो पूरे टॉपिक को समझना इजी हो जाता है जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है सेल्फ एक्चुलाइजिंग अब आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको ये सुन के ही याद आ गया होगा कि मैं किस थ्योरी की बात कर रही हूँ और उसके साथ कौन से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो जुड़े हुए हैं सेल्फ एक्चुअलाइजिंग वर्ड सुनते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से रिलेटेड वर्ड है और वो पूरी थ्योरी किस बारे में बात करती है तो ये एक अकेला ऐसा वर्ड है जो पूरी थ्योरी को समझा सकता है इस तरह के कीवर्ड्स आपके बहुत सारे होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में होते हैं जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये कीवर्ड है जो आपको सीधा हावर्ड गार्डनर की थ्योरी याद दिलाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की और उसके बाद आप उसके जो अलग अलग इंटेलिजेंसेस हैं उसके बारे में उसमें लिखते हो और कॉन्सेप्ट भी पूरा इसी से पता चल जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं दैट मीन्स उनकी थ्योरी ये बोलती है कि हमारे अंदर एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती बहुत सारी होती है तो ऐसे ही हर कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई कीवर्ड होता है अगर आप उस कॉन्सेप्ट में उस कीवर्ड को ढूंढ लो जिसको आपको याद करते ही वो पूरी थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है दूसरा तरीका है आप हाईलाइट करो पॉइंट्स को आप बुक में बुक में से हमेशा पढ़ते हो या आप, आप पी से पढ़ते हो तो आप उसमें हाईलाइट करो उन चीज़ों को जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपको लगता है कि ये वाली लाइन अगर हम लिख देंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या पूरे पैराग्राफ में एक ये लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको हाईलाइट करो उसी टाइम अंडरलाइन करो हाईलाइट करो री इन योर ओन वर्ड्स अपने खुद के वर्ड्स में उसको लिखो क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जो बुक में लैंग्वेज लिखी है आप हमेशा वो नहीं लिख सकते वो लैंग्वेज लिखने का तरीका बहुत अलग होता है वो थ्योरीज होती हैं आप आंसर्स में अपने एग्जैक्टली exactly सेम लिखो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोट करके लिख रहे हो तो कोट करके अगर कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही है तो उसमें सेम टू सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सो वट यू शुड डू यू शुड री राइट इन योर ओन वर्ड्स अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो थ्योरी क्या कहना चाह रही है अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दोबारा नहीं समझना पड़ेगा कि उसका क्या मतलब है आपके वर्डिंग्स में लिखा होगा आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद क्या है यूज ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी चीज़ को समझने के लिए उसको या तो अपने आप से या अपने फैमिली uh, में या अपने नोन में किसी भी किसी के साथ भी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल को जोड़ के देखा करो मल्टीपल इंटेलिजेंस में जैसे आप सोचो कि आप जो जो इंटेलिजेंस उसमें पढ़ रहे हो आपके घर में हो सकता है कि ऐसे लोग हो जिनके अंदर ही अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस हो या अगर आप कोई और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो आप अपने से रिलेट करो कि आप अपने आप को कब सेल्फ़ एक्चुअलाइज मानोगे जब आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा और समझने में भी इजी लगेगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी बिल्कुल रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है तो अगर आप उसको खुद अपने आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करोगे तो आपको उनके कहने का मतलब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टेक्निक है निमोनिक्स निमोनिक्स एक मेमोरी uh, टेक्निक है जिसमें हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स याद भी करने पड़ते हैं जैसे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस याद करने पड़ते हैं इसमें आप उसकी जो इंटेलिजेंसेज हैं जैसे म्यूजिकल है या इंटरपर्सनल है या लिंग्विस्टिक है उसके पहले पहले जो अल्फ़ाबेट हैं उसको जोड़ के कोई एक वर्ड बना लो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है मिल बिन्स अब क्या है आपको अलग अलग उसको याद करने से अच्छा आप ये एक वर्ड याद करो मिल बिन्स और इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि एम का क्या मतलब है आई का क्या मतलब है एल का क्या है बी का क्या है इस तरीके से जब आप निमोनिक्स का यूज़ करते हो तो आपको चीज़ें शॉर्ट में याद हो जाती हैं आपको अगर वो मेरा पढ़ाया हुआ अगर वो याद है चंकिंग वाला कॉन्सेप्ट कि हम ज़्यादा चीज़ें भी चंकिंग करके याद कर सकते हैं तो वो चंकिंग कॉन्सेप्ट तो यही है ना जब आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी है आप उसको शॉर्ट करके चंक्स में डिवाइड कर लो वो चंक्स आपको याद हो जाएंगे तो ये टेक्निक होती है निमोनिक्स की और लास्ट में है सेल्फ टेस्ट सेल्फ टेस्ट क्या है जो आपने पढ़ा है आप अपने आप का टेस्ट लेके देखो आप अपने लिए खुद से क्वेश्चन बनाओ सबसे ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो जाती है जब हम खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जैसे आप अपने लिए खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाओगे ना तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे याद हो जाएंगी टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं इसलिए उन्हें इतनी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो खुद अपने आप का टेस्ट लेने की कोशिश करो एमसीक्यूज बनाओ अपने लिए खुद उसके आगे चलते हैं विजुअल मेथड पे विजुअल मेथड में क्या होता है कि आप अपने विजुअल सेंस का ज्यादा यूज करते हो क्योंकि कुछ लोगों की ना विजुअल सेंस ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो चीज़ वो देखते हैं उनको ज्यादा याद रहता है तो जैसे चार्ट्स बना लो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं हमारी साइकोलॉजी में जिसका हम चार्ट बना सकते हैं जैसे मेथड ऑफ इंक्वायरी में बहुत सारे स्टेप्स हैं आप उसका चार्ट बना लो चार्ट का प्रिंट आउट लेके अपने रूम में लगा दो या आप उसका चार्ट बना के डेली उसको एक बार देख लिया करो रीडिंग करने से ज़्यादा फास्ट है कि आप चार्ट बना के देख लो चार्ट आपको पढ़ने में पाँच सेकंड लगेंगे रीडिंग करने बैठोगे पूरा तो आपका बहुत टाइम निकल जाएगा तो चार्ट बना लो डायग्राम बना लो मेरे को तो डायग्राम बना के पढ़ना बहुत आसान लगता है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन याद नहीं हो रहा तो एक रफ डायग्राम बना लिया ब्रेन का और उसको हमने लेबलिंग कर दी और लेबल के साथ साथ ही छोटा छोटा शॉर्ट में उसके फंक्शन लिख दिए उससे क्या होगा एक तो स्ट्रक्चर बनाते बनाते ही आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी कि ये वाला पार्ट है जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट बनाना है लेकिन आप एक रफली बनाओ अपने लिए बनाओ इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि फ्रंट साइड कौन सी है बैक साइड कौन सी है फ्रंटल लोब किसको बोलेंगे ऑसिपिटल किसको बोलेंगे पेराइटल किसको अब लोग इसको रट्टा मारने बैठ जाते हैं पेराइटल लोब कौन सा होता है ऑसिपिटल कौन सा होता है इंस्टेड ऑफ़ रट्टा मारने की बजाय आप उसको अगर ड्रॉ करो तो ड्रॉ करते करते आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं और जो ड्रॉ करोगे अपने हाथ से आप अगर ट्राई करो आपको दो दिन से ज़्यादा वो याद रहेगा इंस्टेड ऑफ़ अगर आप रट्टा मारोगे आप अगले दिन भूल जाओगे तो ड्रॉ करी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है और आपको ना अगली बार उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा आपकी कॉपी में अगर ड्राइंग्स बनी होगी आपको देखने में मज़ा आएगा उसको पढ़ने में इंस्टेड ऑफ कि अगर पूरा लिखा लिखा होगा थ्योरी थ्योरी तो डायग्राम्स का यूज़ करो टेबल्स का यूज़ करो कई लोग होते हैं जिनको टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छा याद होता है टेबल अभी मेरी कुछ ऐसी वीडियोज़ आने भी वाली हैं जिन जिसमें मैंने पीपीटीज में बहुत सारे टेबल्स बनाए हुए हैं तो अगर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियोस देख के वहां से टेबल भी देख सकते हो मैंने किस तरीके से बनाए हैं तो आप टेबल्स बनाओ टेबल को याद करो मल्टी कलर का यूज़ करो ये मैंने पॉइंट क्यों डाला है क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाती है कभी कभी थ्योरी थ्योरी पढ़ना तो अपनी नोटबुक में अलग अलग कलर के पेन से लिखो हैडिंग अलग कलर से डालो उसके अंदर का पार्ट इसमें टाइम कुछ नहीं लगता है आपको उतना ही टाइम लगता है जितना एक पेन से लिखने का है तो इसमें ये नहीं है कि आपका कोई टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप अलग अलग पेन से कलर कर रहे हो आपको बस कलर्स चेंज करके लिखना है एक तो उससे आपकी जो डिवीजन है ना बहुत अच्छी हो जाएगी नोटबुक में आपको समझ में आ जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट कहाँ खत्म हो रहा है सपोज एक कॉन्सेप्ट पूरा आपका ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी दूसरे कलर से स्टार्ट हो रही है तो वो क्लियर डिवीजन नजर आएगी कॉपी में और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा तो थो, थोड़ा सा भी आप अगर अपनी नोटबुक में इंटरेस्ट बना के लिखोगे ना तो खुद ही आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में आप खुद अगर बोरिंग तरीके से लिखते हो ना तो आप ही बोर हो जाते हो उसको पढ़ने तो मल्टी कलर टेक्निक मैंने भी बहुत यूज़ करी हुई है अपने लिए पढ़ने के लिए मैं यूजुअली डायग्राम्स और मल्टी कलर पेन्स और हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ करती हूँ ताकि अगर मैं उस नोटबुक को ना एक महीने बाद भी देखूँ तो मुझे उसको देख के अच्छा लगे उसको मैं पलट पलट के देखूँ पेजेस के मैंने क्या क्या लिखा हुआ है तो वो कलर का जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है स्पेशली ब्राइट कलर्स का देन लास्ट पॉइंट इज यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें एक तो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्पल का यूज़ करो कम से कम दो तीन एग्ज़ाम्पल्स आपको पता हो हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्लस उसके रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल हो तो और बेटर है जैसे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल लो जो आपकी लाइफ में आपको खुद यूज़ करने पड़ते हैं जैसे वेरिएबल में क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब उसमें आप एक एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लो कि मुझे जितनी मोटिवेशन होगी उतना ज़्यादा मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका मतलब क्या है कि मेरी मोटिवेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरा रिजल्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है इस तरीके से अपने ऊपर एग्जाम्पल्स यूज़ करके कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करो अगला मेथड आ जाता है ऑडिटरी मेथड ऑडिटरी मेथड मीन्स जिन लोगों को सुन के ज्यादा याद होता है जैसे कुछ लोग होते हैं जो देख के याद कर लेते हैं चीज़ें कुछ होते हैं जिनको सुनना ज़रूरी होता है वो सुनते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है अब इसमें एक तरीका है कि आप पॉडकास्ट सुनो पॉडकास्ट क्या चीज़ है पॉडकास्ट एक ऐप है जिसमें आपको बहुत सारे वो वर्बल लेसन्स मिलते हैं आप उसको सुन सकते हो अगर पॉडकास्ट में आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो उसकी जगह आप खुद अपना पॉडकास्ट बना सकते हो खुद कैसे जैसे सपोज आप कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते रिकॉर्ड करो एक आपके फ़ोन में रिकॉर्डर होता ही है सबके फ़ोन में रिकॉर्ड करो और ऐसे दो तीन बना के लेसन्स के आप उसमें रखो फ़ोन में और जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और खाली बैठे हो आप गाड़ी में बैठे हो खाली बोर हो रहे हो ट्रैवल कर रहे हो उसको सुनते रहो साथ साथ आप सुनते रहोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा आपकी खुद की रिकॉर्डिंग्स अगर आप सुनोगे तो एक तो ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपने बताया हुआ है प्लस वो हमेशा सेव्ड रहेंगी आपके पास आप कहीं बाहर भी कहीं रहने गए हो तो वहाँ पे भी आप उसको एक बार सुन सकते हो तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है पॉडकास्ट को यूज करने का सेकेंड है डिस्कशंस करो डिस्कशंस कैसे जैसे अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो जैसे एग्जांपल मैंने याद दिया नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट करो इसके ऊपर उसको बोलो कि वो एक साइड की बात बोले आप दूसरी साइड की बात बोलो उसको बोलो वो नेचर के बारे में बोले कि नेचर कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है आप नर्चर की तरफ से बोलो ऐसे जब हम कल्चरेशन के बारे में पढ़ते हैं सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं उसमें उसको बोलो कि वो कल्चरेशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बोले जो पॉजिटिव है आप नेगेटिव बोलो तो ऐसे जब आप डिबेट करोगे अपने फ्रेंड से दोनों की रिविजन हो जाएगी प्लस आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी आपको ये रटना नहीं पड़ेगा आपको ये याद रह जाएगा हमेशा के लिए क्योंकि आपने एक्चुअल में उस पर डिबेट करी है थर्ड थिंग इज स्पीक लाउडली लाउडली क्यों क्योंकि आपको सुन सुन के जल्दी याद होता है तो आप लाउडली उसको बोल बोल के पढ़ो जोर से बोल के पढ़ो ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही और ज़ोर जोर से बोलो क्योंकि हमारी ऑडिटरी जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा और होती है एज़ कम्पेयर टू विजुअल मेमोरी और ये हमने मेमोरी में पढ़ा भी था तो जब आप बोलते हो ना तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है प्लस एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं वो साउंड के फॉर्म में सेव होती है तो बोली हुई चीज़ आपकी ज़्यादा देर तक याद रहेगी आपको नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग टीचिंग तो एक ऐसा टेक्निक है जो मैं खुद मेरे ऊपर मैंने अप्लाई कर रखा है और मुझे भी पता है कि इसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना तो हमें वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है और हम कभी नहीं भूलते हैं तो टीचिंग करो अपने घर में छोटे अगर सिबलिंग्स हैं भाई बहन है उनको पढ़ाना शुरू पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दो आप उनको कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आज आपने कोई नई पढ़ी और आपको बहुत अमेजिंग सी लगी जैसे समझ लो आपने कोई आ, डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट सुना आज के इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है आप अपने भाई बहनों को या अपने मदर फादर को बताओ कि ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें इस तरीके से करते हैं इस पर्सन ने बताया था आप उसको ऐसे बताओ जैसे आपने कोई नई न्यूज सुनी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब आप उसको बताओगे तो एक तो ये होगा आपकी रिविजन हो जाएगी दूसरा आपको याद भी हो जाएगा तो किसी और को पढ़ाओ अपने दोस्त को पढ़ा लो दोस्त भी दो, उसको भी रिवीजन करनी है आपको भी करनी है आप डिवाइड कर लो आपस में टॉपिक्स एक दूसरे को पढ़ाओ ऑनलाइन पढ़ाओ आजकल ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो टीचिंग टेक्निक तो बहुत ही यूजफुल है फिर आ जाता है आस्किंग अदर्स ओपिनियन ओपिनियन कैसे पूछ सकते हैं जैसे सपोज आप कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आप इसको समझने के लिए अगर आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है आप एक्चुअली में जाके दूसरों से पूछो कि उनको क्या लगता है कल्चर की वजह से हमारी अपब्रिंगिंग में क्या फ़र्क पड़ता है कल्चर की वजह से हमारे बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है आपको कोई ना कोई चाहे कॉमन आंसर ही देगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो साइकोलॉजी में भी बताया हुआ है आपसे जो बड़े लोग हैं वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको लेगा कि ये तो सेम चीज़ हमारी साइकोलॉजी में भी लिखी है तो दूसरे लोगों से ओपिनियन लो इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हो आप उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है इंटेलिजेंट किसे बोलते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो साइकोलॉजी में भी बताया हुआ है कि इंटेलिजेंस तो ऐसे दूसरों की ओपिनियन लो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में ऐसे हैं जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है आप हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो किसी ना किसी से लास्ट पॉइंट है इंटरव्यूज़ ऑफ़ फेमस रिसर्चर्स अब ऑडिटरी मेथड है तो आप इंटरव्यूज़ भी तो सुन सकते हो आप अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हैं जैसे आप बेंड्यूरा का इंटरव्यू देखो वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे इतना अच्छा इंटरव्यू लिया हुआ एल्बर्ट बेंड्यूरा का ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनका इंटरव्यू ले रखा है आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको उनकी थ्योरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी आपको वैसे नहीं याद हो रहा कि बंड्यूरा ने क्या पढ़ाया क्या बताया था उसकी क्या थ्योरी थी उसका क्या एक्सपेरिमेंट था आपको ऐसे याद नहीं हो रहा आप उसका इंटरव्यू सुन लो इंटरव्यू सुनोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि उसने क्यों ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर हो जाएगी उससे उसके आगे आते हैं एक्शन मेथड्स। एक्शन मेथड्स क्या होते हैं जैसे आप किसी चीज़ में खुद इन्वॉल्व भी हो रहे हो जैसे वीडियोस आप अपनी खुद की वीडियोस भी बना सकते हो प्लस आप और भी वीडियोस देख सकते हो जो उससे रिलेटेड अवेलेबल है मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसमें आप ज़्यादातर वो वाली वीडियोस देखो जिसमें कार्टून्स का यूज़ किया होता है क्योंकि जो एनिमेटेड वीडियोस होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब समझ में भी मतलब समझ तो आ जाती है लेकिन वो याद रह जाती है और इंटरेस्ट बनता है मेनली हमको यहाँ पे इंटरेस्ट बनाना है ताकि हम उस चीज़ को पढ़ सकें नेक्स्ट है वॉकिंग बैक एंड फोर्थ वॉकिंग बैक एंड फोर्थ क्या है जब आप पढ़ते हो तो आप आगे पीछे चलते चलते पढ़ो इससे क्या होता है एक रिदम बन जाती है जैसे कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ते हैं अब हर चीज़ तो म्यूज़िक सुन के नहीं पढ़ी जा सकती जैसे मैथ्स के लिए मैं बोल सकती हूँ या स्टैटिस्टिक्स के लिए बोल सकती हूँ कि वो आप म्यूज़िक सुनते सुनते कर सकते हो लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें आप म्यूज़िक आपको डिस्टर्ब कर सकता है तो उस केस में आप वॉकिंग बैक एंड फोर्थ का वो यूज़ करो अपने रूम में आगे पीछे चल के पढ़ो थर्ड है कि आप पीयर ट्यूटरिंग करो पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है अपने दोस्त को बोलो कि आपको समझाए अपने दोस्त को समझाओ या फिर आपके ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको बोलो कि ग्रुप स्टडी करवाएं तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है अपनी लैंग्वेज में आप एक दूसरे को समझाते हो जो इजी होती है समझने फोर्थ पॉइंट है स्टिकी नोट्स का यूज़ करो स्टिकी नोट्स क्या होते हैं जैसे कंप्यूटर में आजकल स्टिकी नोट्स आते हैं आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी आपने लिख के डाल दी या फिर रियल में आप क्या कर सकते हो जैसे आपके पास स्टिकी नोट्स जो होते हैं पोस्ट वाले होते हैं आप उसको यूज़ करो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लिख के अपने डोर के पीछे चिपकाते जाओ जो जो चीज़ें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है किसी कॉन्सेप्ट जैसे की वर्ड्स हैं की वर्ड्स की लिस्ट बना के डोर के पीछे चिपका दो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की लिस्ट बना के चिपका दो फंक्शंस ऑफ ब्रेन की लगा दो ऐसे स्टिकी नोट्स बनाने की कोशिश करो जो जल्दी फास्ट होते हैं पढ़ने में नेक्स्ट है प्रैक्टिकल करके देखो प्रैक्टिकल कैसे करके देखते हैं जैसे सपोज आप सिक्सटीन पी के बारे में पढ़ रहे हो उसका एक सैंपल निकालो जिसमें चार पांच क्वेश्चंस होते हैं उसको किसी का इंटरव्यू लेके देखो उसके थ्रू किसी को क्वेश्चन एयर भरवा के देखो या लोगों का सर्वे लेके देखो तो इस तरीके से प्रैक्टिकली भी आप अपने नोट्स को यूज करके कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल सब में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें ट्राई आउट करके देख सकते हो जैसे अगर हम बच्चों की लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो बच्चे को जाके उससे बात करके देखें कि उसकी किस तरह की लैंग्वेज है आपको को रिलेट कर पाओगे कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो कैसे बोल रहा है तो ऐसे आप कुछ चीजों को प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो जो आप पढ़ रहे हो लास्ट में विजिट करो विजिट किसको करोगे जैसे हम यूजुअली हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हमें टीचर्स बोलते हैं ना कि म्यूजियम जाके देखो विजिट करो तो ऐसे ही अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम काउंसलर्स के पास जाके विजिट करके देख सकते हैं जैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं थोड़े एक आध महीने की इंटर्नशिप कर ली पंद्रह दिन की कर ली उनके पास जाके देख सकते हैं कि वो कैसे करते हैं काउंसलिंग तो ये वो लोग कर सकते हैं जो स्पेशली इस ला, इस लाइन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और स्कूल लेवल पे तो खैर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम काउंसलर वगैरह के पास जाएं पर अगर फर्दर एडवांस लेवल पे कोई कर रहा है तो वो ये विजिट वग़ैरह करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकता है अब आगे चलते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज़ क्यूज़ तो क्यूज़ क्या होते हैं क्यूज़ होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए अगेन जिन लोगों ने मेरी क्यू वाली वीडियो ध्यान से समझी है उनको ये समझ में आ जाएगा जो मैं अभी आगे बताऊंगी यूज़ क्यूज़ में ये है कि अगर आप रोज़ सेम टाइमिंग अपना बना लो पढ़ने का और सेम जगह फिक्स कर लो पढ़ने के लिए जैसे कुछ लोग स्टडी टेबल पे पढ़ते होंगे कुछ अपने बेड पे बैठ के पढ़ते होंगे या जो भी आपकी जगह है पढ़ने की अगर आप रोज उसी जगह पे पढ़ो और एक फ़िक्स टाइम रख लो पढ़ने का साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट सारे सब जैसे स्कूल में टाइम टेबल क्यों होता है क्योंकि एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए पढ़ने का ऐसे ही घर में भी आप एक फ़िक्स टाइम कर लो पढ़ने का जिसमें आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है और सेम प्लेस पे बैठ के पढ़ो जहाँ पे आप डेली पढ़ते हो इससे क्या होगा आपके माइंड में ना वो चीज़ें क्यू की तरह आपको हेल्प करेंगी क्यू मतलब वो आपको हिंट की तरह काम करेगी चीज़ें जल्दी याद करवाने में तो ये क्यूज़ होते हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए जैसे सेम कमरे में पढ़ा सेम प्लेस का मतलब ये भी हो गया कि आप सेम रूम में पढ़ो रोज एक रूम अपना फिक्स कर लो अब वहीं रोज पढ़ो उसी टेबल पे बैठ के पढ़ो और सेम टाइमिंग पे तो आपको बहुत जल्दी याद होंगी चीज़ें और ये एक्चुअली में ये टेक्निक काम करती है आप अप्लाई करके देखो और लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी डूज एंड डोंट्स क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी सब्जेक्ट हो अब ये जो लास्ट की स्लाइड है ये सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं है ये लास्ट वाली जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉइंट्स ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए है तो पहले हम डूज पे जाते हैं जो चीज़ करनी चाहिए तो डूज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हैं पहली चीज़ अपने नोट्स खुद बनाओ कभी भी किसी के नोट्स लेके पढ़ने से कोई क्लैरिटी नहीं आती है वो तो बस आप किसी और की लिखी करी हुई मेहनत को खुद यूज़ कर रहे हो जो कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती अपने खुद के नोट्स बनाओ अपने हाथ से बने हुए नोट्स लिखो आपने एग्जाम में भी तो आंसर लिखना ही है तो अपने हाथ से लिखो प्रैक्टिस करो लिखने की कितनी सारी स्पेलिंग्स तो आपको तभी याद हो जाएंगी तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि, कि किसी के भी बने बनाए नोट्स नहीं लेने हैं अपने हाथ से वीडियो में से देख देख के लिखो समझ के लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो बहुत ही जरूरी है अपने नोट्स बनाने और ये आउट द टाइम मैंने अपनी लाइफ में यही टेक्निक यूज करी है कभी भी किसी और के बने हुए नोट्स नहीं लिए हैं खुद अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हो चाहे बुक से पढ़ रहे हो चाहे वीडियो से पढ़ रहे हो चाहे सुन के पढ़ रहे हो और ये बनाने हैं कोई भी चीज बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है वो आप भूल जाओगे इवन अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप नोट्स बनाओ जो जो मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड है ऑलवेज अंडरस्टैंड मीनिंग लाइक अ स्टोरी जैसे हमें कहानियां सुननी बहुत अच्छी लगती है मूवीज में देखनी अच्छी लगती है यही चीज यही टेक्निक अगर आप अपनी सब्जेक्ट में यूज करो हर चीज को स्टोरी की तरह समझो और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो मॉरल को समझने की कोशिश करो तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी रेदर देन आप उसको खाली थ्योरी की तरह पढ़ पढ़ के समझो थर्ड ट्राई टू रिलेट विद रियल लाइफ ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमेशा रियल लाइफ के साथ रिलेट करा करो और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ किया करो आप जितना ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करोगे आपको एग्ज़ाम में भी उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे कोई भी एग्जामिनर बुकिश लैंग्वेज पे मार्क्स नहीं देता है वो हमेशा इस चीज़ पे मार्क्स देता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं नेक्स्ट ऑलवेज जॉट डाउन पॉइंट्स शॉर्ट पॉइंट्स वाइल रीडिंग और लिसनिंग जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और सुन रहे हो शॉर्ट पॉइंट्स जॉट डाउन करते जाओ जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स अपने इसमें नोट करते जाओ नेक्स्ट ऑलवेज सर्च फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ और भी उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करो जैसे मेरे वीडियोस में आपको एन की भी वीडियोस मिलेंगी चिकरेली की भी मिलेगी बैरॉन की भी मिलेगी एम की भी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस हैं कईयों में तो कॉन्सेप्ट सेम है रिपीट हो रहे हैं जो कि और ज़्यादा एडवांस है तो आपको बेसिक समझ में आ गया तो उसका एडवांस लेवल समझो दूसरे दूसरी बुक का वही सेम टॉपिक पढ़ो जाके इवन अगर आप इलेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो कोशिश करो कि एक लेवल और हायर वाला भी देख लो जाके उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है ऑलवेज लुक फॉर टू थ्री एग्जाम्पल्स फॉर एवरी कॉन्सेप्ट ये तो मैं एग्जाम में लिखने के लिए भी बता रही हूँ लास्ट पॉइंट आपको कि जब भी आप कोई आंसर लिखोगे एग्जाम में तो आपने हमेशा एग्जाम्पल जरूर देने हैं हर आंसर के साथ विदाउट एग्जाम्पल आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होता आपने बुक में भी देखा हुआ है हमने कोई भी बुक पढ़ी हो आपने सब में देखा है कि हर किसी राइटर ने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ लास्ट में एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है तो आप भी अपने आंसर में एग्जाम्पल जरूर दोगे अब आ जाते हैं डोंट्स पे डोंट्स क्या है जो नहीं करने हैं जैसे कि सबसे पहली चीज डोंट कॉपी नोट्स कभी भी बने बनाए नोट्स कॉपी नहीं करने हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है किसी की करी हुई मेहनत आपके काम नहीं आएगी उसी के काम आएगी डोंट कॉपी नेवर कॉपी नोट्स किसी के कॉपी नहीं करने हैं नोट्स डोंट मगअप रट्टा नहीं मारना है ये तो मेरा मोटो है पूरे लाइफ का कोई भी चीज़ रट्टा मार के कभी भी नहीं आती है हमेशा समझ के आती है तो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत करो थर्ड डोंट जंप टू क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की व्यूअर्स की अप्रोच होती है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही करा दो ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ने का आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ सकते हो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आया आप डायरेक्टली जाके कैसे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे जब आपको उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो क्वेश्चन आंसर से कभी भी कोई चीज़ कवर नहीं होती है ज़रूर होता है कि जैसे सपोज आपको बेसिक पहले से आता है और आपने पहले से कोई चीज़ पढ़ रखी है आपको सिर्फ रिविजन करना है तब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो लेकिन पढ़ते टाइम आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से पढ़ोगे ये कोई भी सही अप्रोच नहीं है थ्योरी से हमेशा शुरू करना चाहिए बेसिक थ्योरी से जब आपको वो समझ में आ जाए तब क्वेश्चन आंसर पे जाओ कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने चाहिए उससे डीमोटिवेशन हो जाती है क्यों आपको आंसर्स तो आते नहीं है डायरेक्टली जब आप करते हो और फिर आपको लगता है हम ये नहीं पढ़ पाएंगे इसलिए कभी भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ने हैं फोर्थ डोंट लुक फॉर आंसर्स बिफोर ट्राइंग योर सेल्फ बहुत बच्चों की और स्टूडेंट्स की आदत होती है ना पहले आप आंसर बता दो डायरेक्टली वो टीचर से पूछते हैं इसका आंसर क्या है या वो डायरेक्टली आंसर uh, दूसरों से जानने की कोशिश करते हैं ये बहुत गलत अप्रोच है कभी भी आप दूसरों से आंसर अगर हमेशा पूछोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको नहीं समझ में आएगा हमेशा खुद आंसर ढूंढो हर चीज़ का आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो अगर आप चाहते हो आपकी क्रिएटिविटी मेंटेन रहे आंसर करने की तो खुद से आंसर ढूंढ के करो किसी से पूछ के मत करो नेक्स्ट डोंट जंप टू एडवांस लेवल डायरेक्टली कभी भी सीधा एडवांस लेवल पे जंप नहीं करना चाहिए हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एडवांस लेवल की स्टडीज कर रहे हैं आप अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले आप इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास से शुरू करो आप डायरेक्टली एडवांस लेवल पढ़ते हो और आपको लगता है वो बहुत ज्यादा टफ है नहीं हो पाएगा अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कहाँ से शुरुआत हुई है तो पहले बेसिक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करो ये नहीं मैं कह रही कि आप उस टाइम बिल्कुल ही इजी इजी चीजें ढूंढो उसमें भी आप डिफिकल्ट चीजें समझने की कोशिश करो लेकिन एडवांस लेवल डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए एंड लास्ट इज नेवर राइट आंसर्स इन बुकिश लैंग्वेज ये उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं यही बोलूंगी बुकिश लैंग्वेज ना किसी भी एग्जामिनर को पसंद नहीं आती है मैं भी एज एन एग्जामिनर बहुत बार ही जाती हूँ पेपर चेकिंग के लिए और भी मेरे फ्रेंड्स हैं कोलीग्स हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बुकिश लैंग्वेज से यही लगता है कि बच्चे ने रट्टा मार के या किसी से कॉपी करके लिख दिया है अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो साफ साफ पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है प्लस अगर आपने एग्जाम्पल दिए होंगे अपनी लैंग्वेज में तो वो तो आपके आंसर्स को बिल्कुल ही ए ग्रेड मिलेगा तो एक प्रॉपर ए ग्रेड आंसर बनाने के लिए हमेशा अपने लैंग्वेज में आजकल तो सी ने भी इसके मार्क्स देने शुरू कर दिए हैं अब तो रिसेंटली ये चीज़ उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही डिक्लेयर की थी कि क्रिएटिव आंसर्स के मार्क्स दिए जाएंगे तो वो ये चाहते हैं कि आप बुकिश लैंग्वेज रट्टा मत मारो सिर्फ की को मैंशन करो इम्पॉर्टेंट नेम्स को मैंशन करो इम्पॉर्टेंट ईयर्स को मैंशन करो लेकिन लैंग्वेज अपनी खुद की लिखो हमेशा आंसर्स आप ऐसे लिखा करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो आपके आंसर्स पढ़ के ये लगना चाहिए कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो के उसका क्या मतलब है आप ऐसे आंसर्स मत लिखो कि जो पढ़ने वाला है उसको तो आता ही होगा वो तो समझ ही जाएगा तो मैं आधी चीज लिख के छोड़ देता हूं ऐसे नहीं होता आंसर्स ऐसे लिखे होने चाहिए कि जो पढ़ने वाला जो भी है चाहे वो टीचर है एग्जामिनर है वो पढ़ के उसको समझ में आए कि अच्छा ये क्या समझाना चाह रहा है अपने माइंड में ये रखा करो कि मेरा आंसर वो पड़ेगा जिसको कुछ नहीं आता तो उसको समझ में आ जाना चाहिए इस तरीके से आंसर लिखा करो यही अप्रोच होती है ढंग से आंसर लिखने की विद एग्जाम्पल्स तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी और क्या अप्रोच रखनी है पढ़ने के टाइम पे और आपको अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है कि आपको डाउटफुल है जो ना समझ में आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो बट अब मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे और उसके बाद आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि आपने कौन सी टेक्निक फॉलो करी और आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा इस सब्जेक्ट में और हर सब्जेक्ट में आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में तो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू थ्रू माई नॉलेज सो so, अब आगे आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगी जो भी आपको इसमें लगता है कि आपको लगा हो कि अच्छा है तो आप अगर ख़राब है तो वो भी आप बता सकते हो कि जो चीज़ मैंने बोली है कि ये नहीं अच्छी लगी तो एनी थिंग योर कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग